जम्मू कश्मीर में कल देर रात से ही मौसम जो है वो खराब है। वहीं आप सब लोग जो हैं वही दुआएं करिएगा, क्योंकि रामबन में आपने देखा कि क्या कुछ हालात हुए। रामबन के परनोट एरिया की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो है वो लोगों के घर लगातार जमींदोज होते जा रहे हैं और वहां पर जो है लगातार सुबह सवेरे से जो है वो बारिश हो रही है। वहीं अगर लोगों की माने तो उस एरिया में जो है वो हाई अलर्ट है। लोगों से ये कहा जा रहा है कि अपने अपने घर जो है वो खाली कर दें, क्योंकि आपने उत्तराखंड के जोशीमठ की तस्वीरें भी देखी थी जहां पर लोगों को अपना घर जो है खाली करना पड़ा था। जमीन जो है वो लगातार अपनी सतह से खिसकती जा रही थी, जिससे लोगों के घरों में काफी ज्यादा दरारें आ गई थी। लेकिन फिलहाल के लिए अगर मैं वेदर अपडेट की बात करूं तो वेदर अपडेट यही कहता है कि आज पूरा दिन जम्मू कश्मीर में जो है वो बारिश होती रहेगी। अगर फिलहाल के लिए बारिश रुक जाएगी उसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को बारिशें जो है वो देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है ये मैं जम्मू से आपको दिखा रही हूँ, ताकि आप लोग ये देखें कि जम्मू सिटी में जहां पर सुबह सवेरे अगर तकरीबन मैं 8:30 बजे की बात करूं वहां पर जो है वो धूप निकलना चालू हुई थी, यानी शुरू हुई थी। और मैंने आपको ये कहा भी था कि ये जो धूप है ये टेम्प्रेरी है, क्योंकि 11:30 बजे के बाद मौसम खराब होगा। तो तकरीबन अभी 11:30 की मैं बात करूं तो 11:30 का समय आ चुका है, तो ये मौसम ने एक बार फिर से करवट ली। और जिस तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रिडिक्ट किया था कि 11:30 बजे की अगर हम बात करें तो 11:30 बजे ऐसा मौसम होगा, तो तकरीबन पूरे 11:30 बजे मैं आपको ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जिस तरह से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा था कि 9 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में आपको मौसम का एक विकराल रूप देखने को मिलेगा। तो ये वही रूप है, लेकिन लगातार मैं बनिहाल की बात करूं, राजौरी, पुंछ की बात करूं, किश्तवाड़ की बात करूं, डोडा में आज तमाम स्कूलों को जो है वो छुट्टी दी गई है। कश्मीर में अगर मैं झेलम की बात करूं तो झेलम का जो पानी है, यानी जो पानी का लेवल है, वो ऊपर आ चुका है। कितनी नदियां नाले जो हैं वो उफान पर हैं। और तमाम मैं रामबन के लोगों से ये कहूंगी कि अपने अपने घर को, जहां पर आपको कहा जाता है SDRF की तरफ से आपको गुजारिश की जाती है कि अपना घर जो है वो छोड़कर सही जगह पर, यानी सेफर लोकेशंस पर आ जाएं, तो आप लोग जो है वो अपना घर खाली कर दें, क्योंकि आप देखिए कि आपकी जान बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जान रहेगी तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है वो फिर से अपने रहने के लिए कोई ना कोई रहन बसेरा, कोई ना कोई आशियाना जो है वो जरूर बना लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अगर मैं रामबन एरिया की बात करूं तो वहां पर हालात जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जितने भी लोग मेरे साथ हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। तो चलिए अब खबर की ओर रुख करते हैं। अभी भी जो खबर मेरे पास आ रही है उस खबर के मुताबिक जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो बंद है। अगर मैं आपको बताने की बात करूं तो यहाँ पर जो रामबन की तरफ जो रास्ता जाता है, जम्मू से रामबन की तरफ, वहां पर जो है वो रोड बहुत ज्यादा खराब है और वहां पर शूटिंग स्टोन, मडस्लाइड जैसे हालात देखने को बन पाए हैं। अगर हम आगे चले जाएं जो रामबन से कश्मीर की ओर रोड जाता है तो उस रोड पर भी बहुत ज्यादा खस्ता खराबी है। रोड अगर सही है तो वो सिर्फ चिनैनी नाशरी टनल तक जो है वो रोड सही है, लेकिन बारिश पड़ने की वजह से हाईवे पर जाम जो है वो ज्यादा हो गया है और आप लोगों की गाड़ियों को वहां से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो जब खबर की ओर जाते हैं हम लोग पूछेंगे कि यहाँ पर हमें ये बताइए कि कितने दिन तक मौसम जो है वो ऐसा रहने वाला है। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बारिशें हैं वो इसी तरह से रहेंगी। हो सकता है 1 तारीख को मौसम जो है वो सही हो जाए। आज 29 तारीख है लेकिन 1 तारीख में समय है और आप लोगों को यहाँ पर हाईवे की तरफ से, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ तरफ की तरफ से एडवाइजरी दी जा रही है कि आप लोग 1 मई के बाद ही जो है वो हाईवे पर निकले। 1 मई से पहले आप लोग हाईवे पर जो है वो बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने जम्मू कश्मीर को हिट किया है। और रात को अगर हम आपको बता दें तो खबरें आपने सुन ली थी कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसने हिट किया। गुरेज वैली में भी जो आपने देखा बर्फबारी देखी है आपने, और इसके साथ साथ आप लोगों से जब बात हो रही है लोगों का ये कहना है कि गस्टी विंड, यानी तेज हवाएं चल रही है, डस्टी विंड चल रही है, यानी ये सारी हवाएं जो है ये सर आपको बताती हैं कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्शन की है वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमेशा से सही प्रेडिक्ट करता है, इसका नतीजा भी आपने देख ही लिया है। लेकिन जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की मैं बात करूं, काजी कुंड में भी गरी मोहम्मद वसीम नायक है मेरे साथ जनाब, ये कमेंट कर रहे हैं आप लोगों के लिए अपडेट है। वो कह रहे हैं कि गाजी कुंड में भी जो काजीकुंड में भी जो है वहां पर गाड़ियों को रोक दिया गया है। शब्बीर कुरैशी है वो कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, रजौरी दरहाल में भी बहुत ज्यादा बारिश है, बिल्कुल RSपुरा में भी बारिश है। लेकिन अभी जो कश्मीर जाने वाले लोगों के हालात हैं, जो रामबन जाने वाले लोगों के हालात है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि एवलॉन्स का खतरा भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। और गुलमर्ग की बात करें वहां पर जो है बहुत ज्यादा बर्फबारी की आशंका जताई गई है और वहां पर बर्फबारी जो है वो हो भी रही है। और श्रीनगर में आज पूरा दिन बारिशें होती रहेंगी, क्या प्लेन और क्या अपर एरिया। आसिफ मनसबल है मेरे साथ और गांधरबल से है, ये जम्मू में बारिश हो रही है बिल्कुल, ये मैं तस्वीरें आपको जम्मू से बता रही हूँ। और मैं आपको बता दूं कि आज जम्मू की जिस तरह से बात करते हैं, जम्मू में भी जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा।
इसलिए लोगों से गुजारिश की जा रही है कि कुपवाड़ा में फ्लड की बात कर रहे हैं जैद जी। जैद जी मुझे बताइए, मैंने आपका कमेंट जो है वो पढ़ लिया है, किस तरह के फ्लड की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर? डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है डॉक्टर मुख्तार अहमद ने पहले ही कल शाम को ही बता दिया था कि मौसम खराब रहने वाला है। और डॉक्टर मुख्तार अहमद की बात करें, उन्होंने कहा था कि वेदर जो है वो जनरली क्लाउडी रहेगा, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइट रेन एंड मॉडरेट रेन रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो है, अब बात करते हैं यहाँ पर हाइयर जो है वो बर्फबारी, यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर बर्फबारी की और यहाँ पर बारिश का जो है हाई अलर्ट किया गया है। और हेल स्टॉर्म यानी ओले, बिजली कड़कना, थंडर स्टॉर्म, गस्टी विंड जैसी जो है हालात आपको देखने को मिल सकते हैं। अप्रैल 28 रात को थी और 29 की मैं बात करूं वो आज है। इसी तरह से अप्रैल 30 तक आपको ऐसा ही मौसम दिखेगा। अप्रैल 30 के बाद आपको मौसम में सुधार दिखेगा। और आपको बता दें मेनली ड्राई वेदर आपको 1 से 5 मई तक जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन मेट्रोलॉजिकल ये एडवाइस दे रहे हैं तमाम किसानों को कि आप अपनी फसल को काटना जो है वो कर दें, यानी आप अपनी फसलों को जो है वो ना काटें। अपनी फसलों को काटने से आपको नुकसान होने वाला है। तमाम लोग जितने भी हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग जो हैं वो यहाँ पर जिस तरह से अपने बच्चों को देखिए, सामने ये तस्वीरें देखिए, ये जनाब अपने बच्चों को गोद में उठाए हुए बाहर निकले हैं। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, एक छाता अपने साथ रख ले ताकि आपके बच्चे जो है वो बीमार ना हो। और उसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों से ये बात कर रही हूँ तो अभी मैं ये आपको बिल्कुल तस्वीरें बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कोई रामबन से है तो वो अपना कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो जरूर इस वीडियो के नीचे जो है वो मेंशन कर दे। अगर कोई रामबन के परनोत से इस वीडियो को देख रहा है उसी एरिया में जहां पर हम जो है वो शनिवार को मौजूद थे, तो आप लोग अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं। हम आप लोगों से जरूर रब्ता करेंगे, आप लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है हम आपको वहां से लाइव लेने की कोशिश भी करें। तो अगर कोई रामबन एरिया से है, अगर बिल्कुल परनोत में है जहां पर लैंड सिंकिंग हो रही है, तो वो वहां से जो है मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकता है। तो आप इस खबर को शेयर करिएगा। लेकिन गुजारिश है मेरी रामबन के लोगों से, आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर जरूर मेरी वीडियो के नीचे जो है वो फ्लैश करें ताकि मेरी आपसे बात हो सके। और मौसम बहुत ज्यादा खराब है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। हाईवे बंद है, हाईवे पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाईवे पर जाने से पहले हाईवे का अपडेट ट्रैफिक से जरूर चेक कर लें और आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से संपर्क करके जाएं। बारिश आज पूरा दिन ऐसी होती रहेगी, आपको पल पल की अपडेट देंगे। रामबन से अगर कोई हो तो उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है अपना नंबर जरूर इस वीडियो के नीचे जो है वो फ्लैश कर दे। तमाम अपडेट्स के लिए जितने भी लोग हैं मेरे साथ उनसे बात करते करते जो है बारिश और ज्यादा तेज हो रही है। लेकिन आपके जो रामबन के हालात बने हुए हैं, मैं उस पर गुजारिश कर रही हूँ लोगों से कि आप लोग रामबन में ऐसा ना सोचे कि कोई पिकनिक हो रही है और आपको रामबन में पहुंचना है। आज वहां के लोगों से अपने अपने हालात पूछेगा कि वहां पर लोग किस तरह से रह रहे हैं, वो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको काम ना हो तो आप रामबन के परनोत एरिया की ओर ना जाएं, क्योंकि परनोत की ओर जाना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। तमाम डोडा के स्कूलों को आज बंद किया गया है। अगर आपको लगता है कि एटमोसफियर, वेदर, इन्वायरमेंट सुटेबल नहीं है, पानी वाली जगह जो है वो फान पर आ गई है, तो अपने बच्चों को स्कूल ना भेजे। एक दिन की छुट्टी ठीक है लेकिन बच्चों स्कूल ना भेजे। तमाम अपडेट्स के लिए जम्मू बुलेटिन न्यूज को देखते रहे, जम्मू बुलेटिन न्यूज को लाइक करना ना भूले। और अगर कोई रामबन से हो तो प्लीज वो अपना नंबर जरूर जो है हमारे ऑफिशियल पेज पर जम्मू बुलेटिन न्यूज पर छोड़ दे या हमें कॉल कर अपना नंबर दे दे। लेकिन आपके नंबर की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमें आपका नंबर जो है वो जरूर मिलना चाहिए।